six, five, four, three, two, one, zero. And lift off. नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ज्वाइंट मिशन की ये तस्वीर अमेरिका के फ्लोरिडा की है, जहां सूर्य के अध्ययन के लिए दोनों स्पेस एजेंसियों ने मिलकर सोलर ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया। भारतीय समय अनुसार इसे सोमवार सुबह 9:33 पर फ्लोरिडा के कैप कैनरेवल स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ये ऑर्बिटर सूर्य के उत्तरी और ध्रुवों की पहली तस्वीर खींचेगा और सूर्य के करीब पहुंचने के लिए 7 साल में करीब 4,18,00,000 किलोमीटर की दूरी भी तय करेगा। इस सोलर ऑर्बिटर को 2 टन भारी अंतरिक्ष यान में रखा गया है। इसे सूर्य की कक्षा तक ले जाने के लिए यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। वहीं अंतरिक्ष यान के टेलीस्कोप हीट शील्ड के आर पार देख सकें, इसके लिए भी खास तरह के उपकरण लगाए गए हैं। ऑर्बिटर सूर्य के बारे में उन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेगा जो हमारे सोलर सिस्टम पर असर डालते हैं। नासा ने इससे पहले साल 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य की कक्षा में भेजा था, जिसका मकसद सूर्य के बाहरी कक्षा का अध्ययन करना है। तो वहीं इसरो ने 2020 के अंत में सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहले मिशन आदित्य को भेजने की योजना बनाई है।